हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। तो आपके सामने एक देख पा रहे हैं रेनॉल्ट की डोकर है, जो कि 2021 का मॉडल है। तो इसमें हुआ क्या है, एसी चल नहीं रहा है। तो एसी जो नहीं चल रहा है तो चेक करेंगे इसका क्या हुआ है। सबसे पहले इसमें गैस चेक करेंगे, गैस है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम हुआ है जो कि इससे नहीं चल रहा है। तो चलो बाहर चलते हैं, सबसे पहले इसका फ्री ऑन चेक करते हैं। यहाँ से तो सब कुछ बराबर चल रहा है, देख पा रहे हैं ब्लोअर वगैरह सब चल रहा है, लेकिन बट गाड़ी चालू करने के बाद एसी ऑन नहीं हो रहा है। तो चलो बाहर चलते हैं, इग्निशन ऑफ कर देता हूँ, लाइट चालू है बाहर का। तो मैं इसका पहले बम्पर खुला खोल रखा है क्योंकि सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हुआ है इसमें। तो चलो ये मीटर लाइन लगा दिया हूँ मैं, तो इसमें फ्री ऑन जरा सा भी नहीं दिखा रहा है, गैस 0-0 दिखा रहा है। तो चलो इसको प्रेशर मारते हैं, पहले इसको खोल देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। तो कंप्रेसर ऑन करता हूँ, तो कंप्रेसर ऑन हो चुका, प्रेशर बढ़ रहा है, तो इधर से कहीं ना कहीं से साउंड आ रहा है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे लीकेज हुआ है कंडेंसर। तो देख पा रहे हैं ये पूरा डैमेज हो गया है, तो इस वजह से इसका कंडेंसर रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर रिपेयर करना पड़ेगा। ये तो रिपेयर तो करेंगे नहीं, इसको रिप्लेस ही करवाएंगे। तो चलो इसको खोल देते हैं, प्रेशर छोड़ देते हैं, कंप्रेसर ऑफ कर दे रहा हूँ। ये देख पा रहे हैं साउंड आ रहा है इधर से। तो चलो एक कंडेंसर खोलते हैं, एक बोल्ट यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे दिया है और एक नीचे दिया है। ये खोल के कंडेंसर बाहर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये बोल्ट यहाँ का और नीचे का बोल्ट खोल चुका हूँ। तो उससे पहले ये वाला फाइबर का अंदर दिया हुआ रहता है, तो इसको मैं पहले खोल चुका था और बम्पर तो पहले निकलवा चुका था मैंने। तो अब चलो कंडेंसर अपना निकल जाएगा, ये लॉक दिया हुआ रहता है और इस तरीके से। वैसे भी ये कंडेंसर ख़राब हो चुका है, ये देख लीजिए यहाँ से लीक हुआ है। तो चलो इसमें न्यू वाला कंडेंसर फिट करता हूँ मैं। ये रही न्यू कंडेंसर, उसको वेल्डिंग करते हैं तो भी वेल्डिंग से बन जाता वो। तो सबसे पहले देख लीजिए कंडेंसर सेम है या अलग है। सब कुछ सेम ही तो दिख रहा है। बॉक्स से ले देख लेते हैं ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। बॉक्स में लिखा हुआ है रेनॉल्ट ग्रुप रेनॉल्ट। यहाँ पे देख लीजिए बारकोड दिया हुआ है, यानी सही है, मेड इन पोलैंड लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ओरिजिनल कंडेंसर है। तो चलो इसको मैं फिट करता हूँ गाड़ी में। ये मिट्टी विट्टी देख रहे कितना भरा है, तो इसको क्लीन कर देना है पहले, क्योंकि इसको अगर क्लीन नहीं करेंगे तो एयर जो फैन है पीछे साइड इसके, एयर को एग्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ब्लॉक कर देगा, तो कंडेंसर की गर्मी को भी ज़्यादा ये बाहर नहीं फेंक पाएगा, तो कूलिंग में भी प्रॉब्लम होगा। तो चलो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ अच्छा से। तो इसमें देखिए मैं हवा मार रहा हूँ कितना मिट्टी वगैरह निकल रहा है। काफ़ी सारे मिट्टी निकल रहा है, तो चलो इसको मैं क्लीन करता हूँ। तो फाइनली कंडेंसर क्लीन हो गया पूरा,
कंडेंसर बोल रहा हूँ, रेडिएटर पूरा क्लीन हो गया, तो चलो अब इसमें कंडेंसर फिट करता हूँ। तो फाइनली देख पा रहे हैं न्यू कंडेंसर फिट हो चुका, सब बोल्ट वगैरह टाइट हो चुका। तो चलो इसमें प्रेशर मार लेते हैं, प्रेशर मार के चेक करते हैं। तो लो वाला लगा के रखा हूँ मैं इधर, और अपने को प्रेशर इधर से जा रहा है, और हाई वाला एडप्ट हाई वाला मीटर से अपन कनेक्ट करके रखा हूँ। इसको खोल दिया हूँ, इसको बंद है, ये कंप्रेसर के डिस्चार्ज आयल में लगा है, और इसको ऑन कर रहा हूँ। देख पा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, तो 300 का प्रेशर मार के चेक करेंगे सेफ्टी के लिए, कहीं दूसरा लीकेज तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ है, ये जो एसी था बंद पड़ा हुआ था, अब कब से बंद पड़ा है ये बोल नहीं सकते अपन, तो इस वजह से सेफ्टी के लिए अपन चेक करेंगे 300 का प्रेशर मार के, कहीं दूसरा लीकेज तो ना मिले। तो 300 होने पे आया है अभी अपना, तो 300 हो चुका है, इसको बंद कर दिया हूँ, कंप्रेसर बंद कर देता हूँ। अब इसको यहाँ से खोल देता हूँ और आधे घंटे के लिए होल्ड कर देता हूँ इसको, 300 से ऊपर है थोड़ा, तो आधे घंटे के लिए होल्ड कर देता हूँ जब तक कि अपना इधर का फाइबर वगैरह सब फिट हो जाएगा। तो चलो आधे घंटे के लिए होल्ड करते हैं इसको। तो फाइनली ये वाला फाइबर भी बैठ चुका, ये जो फाइबर जो दिया हुआ रहता है ना हवा के लिए दिया हुआ रहता है, ताकि हवा इस पोजीशन से होके गुजरे, यानी कंडेंसर्स के चारों बाजू से होके गुजरे, इस वजह से ये फ्लैप दिया हुआ रहता है, यानी ये फाइबर दिया हुआ रहता है। अगर ये नहीं देंगे तो ये हवा किधर से भी, इधर से भी, अंदर से भी सोख लेता, खींच लेगा, तो कंडेंसर की गर्मी को निकाल नहीं पाएगा, इस वजह से ये फाइबर दिया हुआ रहता है। तो चलो अपना प्रेशर मार के रखे थे, 300 से ज़्यादा होल्ड है, तो प्रेशर छोड़ देते हैं। लाइन चेंज कर देता हूँ, ये लाइन को इधर लगा देता हूँ, क्योंकि अपने को अब वैक्यूम में वैक्यूम करने का है, तो ये वाला लाइन से जोड़ता हूँ। देख पा रहे गाइज मैं इतना प्रेशर छोड़ा तो इसमें से ऑयल कितना आया, तो ऑयल जब आपके सिस्टम में रहेगा ना ऑलरेडी, तो आपको कंडेंसर चेंज कर रहे हैं ना, तो उस टाइम ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खोल दिया हूँ और इसको लॉक कर दिया हूँ, कंप्रेसर के वैक्यूम लाइन में लगा लेता हूँ, अब कंप्रेसर ऑन कर दे रहा हूँ, वैक्यूम का काटा नीचे आ रहा है, देख पा रहे हैं वैक्यूम का काटा नीचे आ रहा है। तो 10 मिनट इसको वैक्यूम होने देते हैं। तो आपने देखा कि मैंने अभी प्रेशर छोड़ा तो इसमें से ऑयल कितना आ रहा है, लेकिन रिटर्न लाइन में, कंप्रेसर के रिटर्न लाइन में इतना ऑयल है, तो आपको अनुमान लगाना है कि रिटर्न लाइन में अगर इतना ऑयल चल रहा है तो कंप्रेसर के लिए इतना ऑयल बस है, और डालने की ज़रूरत नहीं है अपने को ऑयल। कंडेंसर में आप नया चेंज किए तो अभी ऑयल सिस्टम में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कूलिंग कॉइल में काफ़ी सारा ऑयल जाके फंसा पड़ा है, अभी वो ऑयल रिटर्न लाइन के जरिए कंप्रेसर में आएगा, अपने को ऑयल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी। तो चलो 10 मिनट वैक्यूम होने देते हैं, वैक्यूम होने के बाद फिर गैस चार्जिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली अपना वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है, यानी 10 मिनट से ज़्यादा मैं इसको वैक्यूम में रखा था, और 10 मिनट बाद आपसे मैं मिल रहा हूँ अभी। तो चलो इसको बंद कर देते हैं, ये फाइनली बंद हो चुका है, यहाँ से कंप्रेसर ऑफ कर दे रहा हूँ, यहाँ से पाइपलाइन निकाल लेता हूँ, इसको लगा लेते हैं अपन सिलेंडर में। तो इसमें मैं लगाता हूँ, तो फाइनली यहाँ पे लगा दिया हूँ, इसको टाइट हो गया, और इसको खोल देता हूँ, खोल दिया, इतना खोल दिया बहुत है, उसके बाद इसको पलटी मार देता हूँ मैं, ताकि लिक्विड फॉर्म पहले जाए इसमें। तो चलो इसको पलटी मारता हूँ, तो फाइनली इसको पलटी मार दिया हूँ, और गैस अभी छोड़ा नहीं हूँ। चलो अंदर चलते हैं, ऑयल मारने की ज़रूरत है नहीं इसमें, चलो अंदर चलते हैं, गाड़ी चालू करके आता हूँ। और ये गाड़ी साउंड कुछ ज़्यादा करता है, तो मेरी वॉइस अगर आप क्लियर ही सुनाई ना दे तो उसके लिए सॉरी। तो चलो अंदर गाड़ी चालू करता हूँ, चालू करके आता हूँ पहले मैं। तो फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ, अब गाड़ी चालू करता हूँ, गाड़ी चालू हो चुकी, यहाँ से एसी ऑन कर देता हूँ,
एसी ऑन हो चुकी है यहाँ से, एसी ऑन लोड 3 पे 2 पे रख देता हूँ। तो चलो चलते हैं बाहर, गैस चार्जिंग वगैरह करके दिखाता हूँ। तो सिस्टम में जरा सा भी अभी गैस नहीं है, तो गैस फिल करता हूँ इसमें मैं। कंप्रेसर ऑफ है, चालू होएगा तो आवाज़ आएगा। चालू हो चुका कंप्रेसर, देख पा रहे हैं मीटर लाइन पूरा फटक कन के यहाँ आ गया। तो चलो इसमें मैं गैस फिल करता हूँ फुल। तो रिटर्न लाइन से चेक करना रिटर्न आ रहा है क्या नहीं, हीटर वाला यानी डिस्चार्ज वाला पाइप, लिक्विड पाइप चेक करना, हीट कितना हो रहा है, नॉर्मल हीट होना चाहिए। कंडेंसर चेक कर लेना, हीटिंग कैसा हो रहा है, नॉर्मल हीट हो रहा है, ज़्यादा हीट हो रहा है। कंप्रेसर चेक कर लेना, प्रॉपर चल रहा है सब। सक्शन प्रेशर देखिए 30 पे आ रहा है, डाउन हो रहा है। तो चलो मैं इसमें फुल गैस चार्ज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली फुल गैस चार्ज हो गया, देख पा रहे हैं 30 पे आ चुका है, यानी और भी डाउन हो रहा है। लगभग 27-28 पे आता है इसका सक्शन प्रेशर। तो रिटर्न लाइन भी बराबर चल रहा है, लिक्विड लाइन भी बराबर चल रहा है। कंप्रेसर ट्रिप मारने लगा है, यानी अंदर कूलिंग हो रहा है प्रॉपर, तभी ट्रिप मारा है। ये भी नॉर्मल चल रहा है, सब सही चल रहा है। ये रिटर्न लाइन भी आ रहा है यहाँ पे, कंप्रेसर भी नॉर्मल हीट है, पकड़ के रख सकते हैं आप, ऐसा हीट होना चाहिए, बराबर चल रहा है। तो चलो अंदर चलते हैं, कूलिंग कितना आ रहा है, कूलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। फाइनली गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। सबसे पहले मीटर ऑफ है मेरा, मीटर ऑन कर लेता हूँ। 41 डिग्री टेम्परेचर पे था ये थर्मामीटर मेरा बाहर, अभी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो देखते हैं कितना तक आ रहा है। तो इसका एक चेक इंजन लाइट आ रहा है, डोकर का जो है ना, ज़्यादातर फॉल्ट चेक इंजन लाइट आने का रीज़न जो रहता है ना, कैटालिटिक कन्वर्टर की वजह से, यानी साइलेंसर की वजह से, उसकी वजह से ये लाइट आती है। तो इसको कंप्यूटर यानी स्कैनर से रिसेट कर दो तो ये फिर चला जाता है लाइट, इसका मसला नहीं रहता है। यानी एवरी डोकर, यानी हर डोकर का, रेनॉल्ट की गाड़ी का जो ये पिकअप टाइप का जो बनाया है, इसमें चेक इंजन लाइट आता ही जाता है। तो इसका मैं अभी छेड़खानी नहीं करके दिखाऊंगा कुछ। तो देख लीजिए अभी टेम्परेचर 10 पे आ चुका है, 10.5 आउट भी ड्रॉप हो रहा है, बाकी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर है। तो गाइज ये सब चीज़ें जो है ना, मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि चीज़ें ना आपको समझ में आए, बाकी और कुछ नहीं, ताकि चीज़ों को जो आप समझेंगे ना, आपके पास कार है तो आपको चीज़ें समझना ज़रूरी है। आप अगर नहीं समझेंगे ना, तो काम करवाने के लिए कहीं भी जाएंगे ना, तो कुछ से कुछ हो जाएगा, बोले तो आपके साथ क्या मतलब, आप अगर कुछ जानते नहीं है ना इसमें, इस फील्ड में अगर थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है ना आपका, तो आपको लूट लिया जाएगा। आपको बोले तो अभी क्या, ऐसा मतलब ऐसा वर्ड मुंह से आ रहा है कि मतलब आप समझ जाइए कि आपके साथ क्या हो जाएगा, आप बोल नहीं सकते। तो यही चीज़ें हैं। हाँ, कोई अच्छे भरोसेमंद आदमी के पास अगर जाएंगे, जो अच्छे इंसान हैं, जो कि वो बोले तो अच्छी तरीके से पैसे कमाता है, यानी इस्लामिक तरीके से वो पैसे कमाता है, यानी हलाल और हराम का जिसको नॉलेज है, तो उस बंदे के पास अगर आप पहुंच गए हैं तो वहाँ पर ठीक है। अगर ऐसे वैसे बंदे के पास पहुंच जाते हैं आप, तो आपको कहाँ लेके जाएगा, आपको खुद उनको खुद पता नहीं कि इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ। तो बस यही चीज़ें हैं कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, तो फिर आपको आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप बिल्कुल उसके साथ ये कर सकते हैं। तो देख पा रहे 10.1, 10, 9.9, 9.8, 9.7, 9.6, 9.4, यानी यहाँ तक आकर के इसका ट्रिप मार रहा है कूलिंग।
यानी कंप्रेसर ट्रिप मार रहा है, जरा तीन पे करता हूँ, तीन पे देखते कितना आ रहा है। तो फिलहाल दो पे इतना कूलिंग आ रहा है, तो तीन पे जो है ना, यहाँ पे जो है ना कूलिंग उतना नहीं दिखाएगा, क्योंकि एवापोरेटर का जो कूलिंग टेम्परेचर है यानी कूलिंग को ना फास्ट में अभी ये कर रहा है, निकाल रहा है, और पहले जो निकाल रहा था वो धीरे धीरे निकाल रहा था। तो उस टाइम यहाँ पे यानी ग्रिल में यानी बोले तो वेंट के पास टेम्परेचर ज़्यादा रहता है यानी कम रहता है, तो यही रीज़न है, बाकी और कुछ नहीं। यानी मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप फैन अगर फास्ट करते हैं ना, तो हीटर कूलिंग कॉइल जो है ना एक ही कैपेसिटी में वो ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, उस ठंडा को आप ब्लोअर के जरिए यहाँ लेते हैं, अपने सामने लेते हैं, तो ब्लोअर की स्पीड अगर अगर फास्ट कर देंगे ना, तो उतना ही ठंडा तो उतना ही हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को आप एक बार में पहले स्लो स्लो निकाल रहे थे, तो स्लो स्लो निकाल रहे थे तो उसका जो एयर का जो फ्लो का जो ठंडापन है वो फास्ट में यानी ठंडापन ज़्यादा होगा, और आप अगर इसको ब्लोअर की स्पीड को फास्ट कर देंगे तो उस टाइम मेजोरिटी यानी हवा जो हवा का कैपेसिटी जो है ना बढ़ जा रहा है, तो उसको ज़्यादा हवे को जो है ना ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है उस टाइम। तो यही रीज़न है कि उस टाइम यहाँ पे ग्रिल टेम्परेचर में, ग्रिल में अगर थर्मामीटर लगाएंगे आप यानी वेंट में, तो उस टाइम टेम्परेचर बढ़ता दिखेगा आपको, यही रीज़न रहता है, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो फिर गाइस, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन फिर।